नमस्कार साथियों, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है कि स्थिरांक अनुप्रयुक्त वोल्टेज के लिए क्या सही होगा। यहाँ बात की जा रही है साथियों एक परिपथ की जिसमें वोल्टेज को स्थिर रखा गया है। तो हमने पढ़ा है साथियों ओम के नियम के अनुसार कि V बराबर I R। यहाँ पे मान लिया वोल्टेज को क्या रखा है, एक रखा है, और हमारे पास धारा और प्रतिरोध क्या है, बराबर है। तो यहाँ जो पहला दिया गया पॉइंट आई अर्थात धारा प्रतिरोध के सीधे समानुपाती होगी, धारा प्रतिरोध के सीधे युत्क्रमानुपाती होगी, धारा और प्रतिरोध बराबर होंगे। तो साथियों हम देख लेते हैं जब वोल्टेज को स्थिर रखा गया है तो यहाँ पे आई बराबर एक बटे आर अर्थात जो धारा है वो प्रतिरोध के विपरीत होगी अर्थात युद्ध कर्मानुपाती होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। बात की जा रही है स्थिरांक अनुप्रयुक्त वोल्टेज के लिए प्रयोग में ली जाने वाली वोल्टेज को अगर स्थिर रखा जाए तो यहाँ पे धारा प्रतिरोध पे निर्भर करेगी अर्थात प्रतिरोध घटेगा तो धारा बढ़ेगी, प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगी। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि भूरे काले और भूरे रंगों की कोडिंग युक्त प्रतिरोधक का मान सही शून्यता पर निर्धारित कीजिए। साथियों यहाँ पे प्रतिरोध का मानांकन करना है जिसकी चार पट्टी है, पहली पट्टी भूरी, दूसरी काली, तीसरी भूरी और चौथी पे कोई कलर नहीं है। तो साथियों पहले जो दो पट्टियाँ होती है वो बताती है मानक को। तो जैसे हमने सुना है एक फॉर्मूला है बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोरी शंकर नाई अर्थात बी का मतलब है ब्लैक। शुरुआत किससे होगी, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, काले रंग से होगी तो काला जीरो। बिर बस के बाद ब्राउन का मतलब भूरा। हमें इस पट्टी के अंदर फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फिर चलता रहेगा और लास्ट में क्या है 9 कलर। तो पहली पट्टी के ऊपर भूरी है तो भूरी का क्या आ जाएगा, एक। फिर दूसरी पट्टी काली है तो काली का क्या आ जाएगा, जीरो। उसके बाद में बात की जाए तीसरी पट्टी फिर भूरी है तो यहाँ पे गुणक के रूप में आएगी। तो तीसरी पट्टी का भूरा है तो भूरे का क्या हो गया, एक। तो 10 की पावर 1, तो 10 की पावर 1 का यहाँ पे गुणक हो जाएगा। उसके बाद में बात की जाए प्लस माइनस सही शून्यता, तो जिस पट्टी का यहाँ पे चौथी पट्टी पे कोई कलर नहीं गया है तो इसकी सही शून्यता कितनी हो जाएगी, प्लस और माइनस 20%। तो यहाँ पे सही शून्यता का अर्थ है एक प्रतिरोध अपने मान में कितनी कमी या बढ़ोतरी कर सकता है। तो साथियों यहाँ आ जाएगा 1, 0 और यहाँ पे भी 10 है तो इसको 10 के साथ गुणा करेंगे तो 100। उसके बाद में प्लस माइनस 20%, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन है बी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्ती प्रतिरोधक का प्रकार है अर्थात जिसे प्रतिरोधक को परिवर्तित या उसके मान में परिवर्तन किया जाए परिवर्ती प्रतिरोध कहलाता है, पोटेंशियल मीटर जिसे विभवमापी कहते हैं, थर्मिस्टर जिसे तापमान पर निर्भर करता है, मतलब परिवर्ती प्रतिरोध भी है, तापमान घटाया बढ़ाकर इसे प्रतिरोध में बदला जा सकता है, रियोस्टेट जिसके मान में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, और मैग्नेट और रजिस्टर इसके मान में भी परिवर्तित की जाती है। तो ये सभी किसके प्रकार हैं, परिवर्ती मान के प्रतिरोध के प्रकार हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है किसकी जांच के लिए कंटिन्यूटी टेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। कंटिन्यूटी का मतलब है साथियों निरंतरता परीक्षक। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जैसे दो बिंदु है या ये दो बिंदु है, हमने कोई यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, ये स्विच हो गया, उसके बाद में ये अर्थात कहा जाता है कि दो बिंदुओं के बीच, पहला बिंदु ए दूसरा बिंदु बी, दो बिंदुओं के बीच
एक विद्युत परिपथ स्थापित किया जा सकता है, अर्थात विद्युत पथ स्थापित किया जा सके या एक सर्किट बनाया जा सके और वह सर्किट सही हो। तो का ये भी मान सकते हो आप भी एक तार के भीतर जो हम धारा विद्युत प्रवाहित करेंगे वह निरंतर बनी रहे पूरी तरीके से हो, तो उसे क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी टेस्ट। तो कहा जाता है कंटिन्यूटी टेस्ट का उपयोग तार के भीतर के संवाहक को निरंतरता प्रदान करने के लिए या निरंतरता चेक करने के लिए किया जाता है। एक परिपथ हमने बनाया, उस परिपथ का सही बना है या नहीं बना, तो उसे कंटिन्यूटी टेस्ट या हम सीरीज टेस्ट भी कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, प्रतिरोधकों को पीसीबी में सोल्डर करने के लिए सोल्डरिंग आयरन की वाट क्षमता क्या होनी चाहिए। पीसीबी का अर्थ है पावर सर्किट बोर्ड। एक पावर सर्किट बोर्ड है, उसके अंदर प्रतिरोधों को जोड़ना है, तो उसके लिए हमें 25 से 40 वाट तक का सोल्डरिंग आयरन चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला हमारा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग कार्य में प्रयुक्त रेजिन कोर सोल्डर कितने तापमान पर पिघलता है। सोल्डरिंग आयरन या सोल्डरिंग करने के लिए हमें जिस सोल्डर का उपयोग करते हैं उसमें अगर रोजिन कोर सोल्डर की बात की जाए तो उसका तापमान 190 डिग्री सेल्सियस या 5 ± 5% कम रखा जाता है, तो यह भी आप ध्यान रखना। अगला हमारा प्रश्न है, एक बंद लूप में घटकों में वोल्टेज पात का योग किसके बराबर होता है। साथियों, जैसे यहाँ पे बात की जाए टोटल वोल्टेज, तो विद्युत घटकों में जिस जिसने जितनी वोल्टेज खपत की है उस वोल्टेज के बराबर क्या रखी जाती है, वोल्टेज क्या रखा जाता है, वोल्टेज पात का योग। हमने जितनी वोल्टेज इसे प्रदान किए उसके बराबर क्या होता है, वोल्टेज पात का योग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, किसी चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा मजबूत कहाँ होता है। साथियों, हमने पढ़ा है एक चुंबक को जिसके दो ध्रुव होते हैं N और S। तो यहाँ पे जहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं सब सर्वाधिक होगी वहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होगा। और सबसे ज़्यादा चुंबकीय बल रेखाएं किस पे मौजूद होती है, चुंबकीय ध्रुव पे, क्योंकि सबसे यहाँ पे सबसे नज़दीक जो रेखाएं होती है वो ध्रुव पे होती है। बात के करें कि चुंबकीय बल रेखा सबसे ज़्यादा अपना जो क्षेत्रफल बनाती है वो कहाँ बनाती है, ध्रुवों पे। तो सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है चुंबकीय ध्रुवों पे, और वहीं इसके विपरीत बात की जाए सबसे कम तो चुंबक के मध्य भाग पे सबसे कम चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये भी आप ध्यान रखना। अगला हमारा प्रश्न है, अपने चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए पदार्थ की क्षमता को क्या कहा जाता है। एक पदार्थ को जब चुंबकीय बनाया जाता है तो वह कितनी चुंबकत्व ग्रहण कर सकता है, वह उसकी धारणशीलता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, धारणशीलता पर निर्भर करता है। अगला हमारा प्रश्न है, यदि एक चुंबक को तेजी से उत्क्रमणीय चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह चुंबक क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं साथियों कि उत्क्रमणीय चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, कि वह चुंबकीय क्षेत्र जहाँ पे ना ही तो उत्तरी ध्रुव स्थिर रहता है और ना ही दक्षिणी ध्रुव स्थिर रहता है, अर्थात दोनों ध्रुव एक दूसरे के साथ बदलते रहते हैं। कभी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के रूप लेता है, कभी दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव का रूप लेता है। और ऐसे में हम एक स्थायी चुंबक जिसके दो ध्रुव होते हैं N और S,
तो उसे उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख दिया जाता है तो वह चुंबक अपना चुंबकत्व गुण खो देता है, अर्थात वह गुणहीन हो जाता है। बात की जाए उत्क्रमण या चुंबकीय क्षेत्र की, तो जैसे पृथ्वी की बात करे जाए तो पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं उत्तरी और दक्षिणी, वहीं बात की जाए तो वो दोनों ध्रुव एक दूसरे से परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव का रूप ले लेता है और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव का रूप ले लेता है। वह क्या होता है चुंबकीय उत्क्रमणीय चुंबकीय क्षेत्र, और उसमें यदि स्थायी चुंबक को रखा जाता है तो वह चुंबक गुणहीन हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, क्वायल को किसके चारों ओर वाइंड करके किसी क्वायल का फ्लक्स घनत्व बढ़ाया जाता है। तो साथियों बात की जा रही है कि एक किसी क्वायल को किसके चारों तरफ लपेट कर क्वायल का चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो साथियों हम किसी तार को लपेटते हैं, वह अपने पास छड़ किसकी होती है लोहे की, तो यहाँ पे बात की जा रही है ब्रास कोर, आयरन, रबड़, प्लास्टिक और ग्लास। तो साथियों आयरन कोर, क्या आयरन या लोहे की छड़ के ऊपर क्वायल को लपेट के चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को बढ़ाया जाता है, तो बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, लाय उपकरण के धातु के सभी कैसिंग्स का पृथ्वी के इलेक्ट्रोड सिस्टम के साथ कनेक्शन को क्या कहलाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ साथियों, जैसे आप किसी आपके पास कोई पैनल है, उस पैनल पे लाइट का पैनल है और उसे आप भूमि के साथ ग्राउंड करना चाहते हैं, तो जो ग्राउंड के लिए जिस चीज़ का उपयोग किया जाता है या ग्राउंडिंग करना क्या कहलाता है, बॉन्डिंग कहलाता है, बॉन्डिंग कहलाता है। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जब टूटा हुआ सर्किट रिक्त स्थान का होता है तो जोड़ों पर चिंगारी बनना या स्पुलिंग बढ़ जाता है। तो साथियों बात की जाए जब टूटा हुआ सर्किट इंडक्टिव होता है तो जोड़ों पर चिंगारी बनना या स्पुलिंग होता है। अगला हमारा प्रश्न है, रिले कनेक्शन पर पाया जाने वाला काला जमा हुआ पदार्थ किस कारण होता है। तो साथियों यहाँ पे 99.99% साथी यह क्वेश्चन गलत करेंगे। गलत इसलिए करेंगे कि आप कहोगे कि रिले कनेक्शन के जो पर जो काला जमा हुआ पदार्थ पाया जाता है वो कार्बन का होगा, परंतु मैं आपको बता देता हूँ वह किस कारण होता है। वह होता है धातु की वाष्पन, अर्थात जो धातु का बनाया जाता है रिले, और रिले पर अगर वहाँ पे वाष्प की जाए तो उसका संघनन या जमना ही क्या कहलाता है, काला जमा हुआ पदार्थ, उसी के कारण होता है, परंतु यहाँ पे उसका कार्बन का कोई रोल नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, एक चालक या कंडक्टर में अधिकतम ईएमएफ प्रेरित करने के लिए कंडक्टर की गति की दिशा क्या होनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, जैसे अधिकतम ईएमएफ प्रेरित कब करेगा, जब ये जैसे चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये मान ले एक ध्रुव या आप चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं, तो यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं की ये दिशा है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का जितना कटाव होगा उतना ही अधिक ईएमएफ प्रेरित होगा। तो बात की जाए कि एक कंडक्टर की गति की दिशा अनुसार चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक लंबवत अगर कोई चालक रख दिया जाए तो चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होगा, जिसके कारण क्या होगा, चुंबकीय या अधिक ईएमएफ प्रेरित होगा। तो साथियों कहा गया कि फ्लक्स की चुंबकीय रेखाओं के लंबवत किसी चालक की गति होनी चाहिए। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की गति इस तरफ है और उसके लंबवत एक दूसरे पदार्थ को रखा जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज की सीरीज के हमारे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लें साथियों, तो आपको जब भी मैं मेरे द्वारा पहली वीडियो अपलोड की जाएगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाएगी।
आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।